ओम शांति। 18 जुलाई 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्ध से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। आज का प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे, अर्थात मंथन करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, अर्थात ईश्वर की याद में हमेशा मस्त रहना। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परमधाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परमधाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा है, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। आज का वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। आज का स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं व राजयोग सिखला रहे हैं। हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना, मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है, फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने, आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो, मैं पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों का अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो कि हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं, अभी फिर नई दुनिया में हमको
नया शरीर मिलेगा तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा बोलते माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। ओम शांति।